अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग दुबई लाइव विद मिसेस के। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक इंटरनेट पे वायरल वीडियो जो राहत फ़तेह अली ख़ान, फेमस पाकिस्तानी इंटरनेशनल सिंगर राहत फ़तेह अली ख़ान की एक बेदर्दी से अपने स्टूडेंट को मरने वाली वीडियो वायरल हो रही है, उससे रिलेटेड आपको मैं कुछ बताती हूँ। जो कि राहत फ़तेह अली ख़ान ने अपने सोशल ऑफिशियली अकाउंट से एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी फैमिली से, अपने फैंस से, अपने जो भी सिंगर कम्युनिटी है उन सब से माजरत की है कि उनसे जो ये काम हुआ, समथिंग उनकी कोई स्पेशल थिंग मिसिंग होने की वजह से, तो वो उस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने माफ़ी मांगी है। अपना माफ़ीनामा एक तरीके से वीडियो, सोलो वीडियो के थ्रू वायरल किया है। तो लेट्स लिसन। इस वीडियो में ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी लग रहे हैं और ख़ास तौर पे अपने फैंस से, जो मेरी इस बिहेवियर की वजह से बहुत हर्ट हुए हैं, मैं उन सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और इन सबसे पहले मैं अपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ कि ये गलती आइंदा के बाद कभी नहीं होगी। और ये भी मुझे सामने कर रहा हूँ, ये भी 9 महीने पहले की वीडियो है और पता नहीं इन्होंने कब से ये जो टोला है इसने इन्होंने मेरी वीडियोज़ को जो है वो बनाना शुरू किया मेरी इजाज़त के बगैर। तो ये सारी की सारी जो वीडियो जो आगे उन्होंने जो प्लान किया हुआ है, मैं जानता हूँ कि जब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके फौरन बाद ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई, तो ये पहले क्यों ना होगी। अगर आप इतने ही इंसानियत के को प्रचार करने वाले थे तो आपने पहले ही ये क्यों नहीं किया। और मैं इस चीज़ को भी पॉजिटिव नहीं लेता हूँ कि उनकी इस हरकत की वजह से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और जिन लोगों ने मुझे बाइकआउट किया है, मैं उनकी तहे दिल से, अपने दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मुझे नसीहत देने के लिए मुझसे प्यार करते हैं। ये बेसिक लाइन इज लव, ये प्यार है, वो अपने आर्टिस्ट को इस तरह से नहीं देखना चाहते। तो मैं उन सबसे बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ, बड़ी माफ़ी मांगता हूँ कि आइंदा के बाद ये जितनी वीडियोज हैं ये आप देख लीजिएगा, इन्होंने आगे भी करनी है। ये आज की डेट में आपको दे रहा हूँ कि आज ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आप निकलवाएंगे जरूर, कि जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी की सारी प्लांटेड है, कुछ फैब्रिकेटेड है और इन्होंने खुद से जानबूझ के ये सारी चीजें बनाई हुई हैं। और ये बदनाम करने की और डीफेम करने की कोशिश है और इंशाल्लाह ताला नाकाम कोशिश है ये। मैं इंशाल्लाह ताला गाता रहूंगा और इंशाल्लाह ताला मैं इस अपने बिहेवियर पे मैं सिर्फ माफ़ी चाहता हूँ, सबसे माफी मांगता हूँ। जितनी सिंगर कम्युनिटी है, जो को आर्टिस्ट हैं, जो फीमेल को आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, उनसे माफ़ी चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। और जितने मुझे जो म्यूजिक इंडस्ट्री में जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सो गाइस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माफी चाहता हूँ।